जाने के लिए दर दर भटक रहा रिटायर फौजी। दरोगा जी क्या बन बैठे, पत्नी और बच्चे को घर से ही निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा थाना क्षेत्र सरकड़ा करीम निवासी नरेश सिंह रिटायर फौजी अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए थाने से लेकर जिले तक के पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। रिटायर फौजी नरेश सिंह ने काफी सालों देश सेवा की है, लेकिन जब फौज से रिटायर हुए तो उन्होंने अपनी जमा की हुई पूंजी बेटियों की शादी में खर्च कर दी। पहले उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री पिंकी की शादी सन 2015 में थाना भगतपुर क्षेत्र के गाँव निवासी डूंगरपुर शरद कुमार यादव के साथ शादी की। उसके बाद सन 2017 में उन्होंने अपनी दूसरी पुत्री पिंकी की शादी बड़ी बेटी के देवर शिशिर यादव के साथ की। शादी के कुछ सालों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन आगे ये नहीं मालूम था कि दोनों बेटियां दर दर के ठोकरे खाने को मजबूर रहेंगी। बड़ी बेटी की शादी से पहले और शादी के कुछ दिन बाद तक उसका पति कोचिंग सेंटर चलाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था, लेकिन जैसे ही समय ने करवट बदली वो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा जी के पद पर तैनात हुआ। तो वो अपनी पत्नी पिंकी से कहने लगा, तू अब मेरे लायक नहीं है, मैं एक दरोगा जी तो ठहरा। उसने अपनी बीवी और बच्चे को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। दूसरी बेटी का पति जो कि एक ड्राइवर है, कुछ दिन बाद उसने भी अपनी पत्नी और बच्चे को धक्का देकर घर से निकाल दिया। वो भी कहने लगा, तू भी मेरे लायक नहीं। उसके बाद दोनों बहनें अपने मायके में रहकर अपने और अपने बच्चों का गुजारा कर रही हैं। उसके बाद रिटायर फौजी नरेश सिंह ने भगतपुर पुलिस से बेटियों को इंसाफ दिलाने की मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। उसके बाद थाने से लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन रिटायर फौजी को और उनकी बेटियों को इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। दरोगा जी क्या बन बैठे, बीवी को ही धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि दरोगा जी तो बन बैठे, खुद की पत्नी को ही इंसाफ नहीं मिल रहा, तो दूसरी की फरियाद कैसे सुनेंगे। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश सरकार नारी सम्मान नारी सुरक्षा का नारा दे रही है, लेकिन आज भी कुछ जगह देखा जाए तो ससुराल से तंग आकर दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। अब देखना यह होगा कि दोनों बहनों को इंसाफ मिलता है या यूं ही दर दर की ठोकरे खाती रहेंगी। क्या नाम है आपका? पिंकी देवी नाम है मेरा। पिंकी देवी जी, आज भगतपुर थाना आई है, क्या मामला है? सर मैंने हर जगह एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। समस्या ये है कि नहीं तो मुझे घर के अंदर प्रवेश दिलाया जा रहा है और मेरा बच्चा भी नहीं दिलाया जा रहा है। हाँ। मतलब प्रवेश लोग मतलब कहाँ चाहती हो आप? मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। समस्या किन लोगों से है? समस्या किन लोगों से है? मेरे जो सास ससुर हैं वो मुझे अंदर नहीं जाने देते। अच्छा, सास ससुर क्यों नहीं जाने देते अंदर? बेदखली दिखाते हैं, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया प्लानिंग के तहत मेरे मतलब पति से मिलकर। मतलब आपके जो पति है क्या वो आपका साथ नहीं देते? वो मेरा साथ नहीं देते, वो अपने माँ बाप के कहने में चलते हैं। घर से निकाल दिया आपको? हाँ। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 2016 में शादी हुई थी, 6 साल हो गए मेरी शादी को। कितने बच्चे आपके? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो आप कब से मायके रह रही हो अपने आप? मुझे 5 महीने हो गए मायके में रहते हुए, मुझे 15 जून को निकाल दिया था वहाँ से। अच्छा, मेरा मोबाइल भी फोड़ दिया और मुझे घर से बाहर कर दिया। अच्छा, ऐसी वजह क्या रही जो आपको जो है घर से आपके पति ने साफ ससुर निकाल दिया? शुरू से ही मतलब अपने माँ बापों के कहने में चलते हैं, वो मेरी बात नहीं मानते और ये कहते हैं कि मतलब अपने घर से पैसे ला यहाँ खर्चा कर। तो हाँ, मतलब हर चीज़ अपने मायके से ला और यहाँ खर्च कर, मैं तुझे खर्चा पानी नहीं दूंगा और मैं जो तू चाहती है वो नहीं होने दूंगा। मतलब अपने माँ बापों के मेरे माँ बापों की गुलामी कर, उनके साथ रह, उनका काम उम कर, मजदूर की तरह रह। एक आपने पुलिस से कुंडा खटखटाया? मैंने पुलिस से एक बार नहीं कई बार, लेकिन मेरी पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती। कहाँ का शिकायत किया? मैंने IG बरेली को दी है मैंने एप्लीकेशन जी। उसके बाद मैंने CO ठाकर द्वारा को दी है, CO ठाकर द्वारा। तो क्या आश्वासन मिला अधिकारी द्वारा? ये बोलते हैं मदद करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ सुनवाई नहीं की है। यह है मुख्यमंत्री के यहाँ योगी। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के दरबार पहुँचे थे जी? क्या आश्वासन मिला वहाँ से? बोले हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला है वहाँ से भी। अच्छा, आप क्या चाहती हो? मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ, या मेरा बच्चा दिलवाया जाए, या तो मुझे प्रवेश दे दें ना तो मेरा बच्चा दे दें। एक बच्चा उन लोगों के पास है? हाँ। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का है।
क्या नाम है आपका? पिंकी यादव। पिंकी जी, आज जो थाना भगतपुर में आई हो आप, क्या मामला है? जी, पहले तो मुझे निकाल दिया था ससुराल से, मुझे मेरे बच्चों को, अब मेरी छोटी बहन को निकाल दिया है, इसी वेंटर में मैं यहाँ आई हूँ थाने। शादी कहाँ हुई आपकी? शादी डूंगरपुर। अच्छा, दोनों बहनें क्या एक ही घर में? जी हाँ, एक ही घर में शादी हुई है। अच्छा, पहले आपकी शादी हुई थी? जी पहले मेरी शादी हुई थी। निकाल दिया आपको आपके पति ने घर से? पहले शादी हुई थी तो दरोगा नहीं थे, अब दरोगा बन गए हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे अब तू पसंद नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगा। अच्छा, पहले जब शादी हुई थी आपकी, कब शादी हुई थी, कितना टाइम हुआ? 10 जून 2015। 2015 में आपकी शादी हुई थी, तो पहले उस समय आपके पति क्या किस पोस्ट पे थे? सेंटर चलाते थे, ठाकुरदार। आज किस पोस्ट पे? अब दरोगा है। दरोगा है, बुलंदशहर अगोता थाना। अगोता थाना बुलंदशहर में कार्यरत है। तो दरोगा बनने के बाद में आपको जो है घर से निकाल दिया? जी हाँ, वो कहते हैं अब तू मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरी शादी करूँगा। अच्छा, कितना समय हो गया आपको निकालोगे? मुझे 14 साल चल रहा है। 14 साल चल रहा है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी आला अधिकारी से की? जी हाँ, मैंने यहाँ वो थाना भगतपुर में भी दी थी एप्लीकेशन, और वो मुरादाबाद SSP को भी दी थी, महिला थाने मुरादाबाद में भी दी थी, ठाकुरदार भी, सब जगह देने के बाद भी कोई वो नहीं हुई थी कार्रवाई सीधा। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का है। एक लड़का है, तो क्या चाहती हो आप? हम तो रहना चाहते हैं, वही नहीं रख रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं? मैं नहीं रख रहा, कभी किसी बात होती नहीं, वो बात भी नहीं करते हैं, नहीं बच्चे से करते हैं, ना ही मुझसे करते हैं, ना ही हमें कोई खर्चा वगैरह देते हैं। हाँ, अच्छा, आपने जो अधिकारियों को शिकायत की है, तो इसमें क्या कार्रवाई की, किस क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ भी नहीं, रिपोर्ट दर्ज हो गई, रिपोर्ट दर्ज होते ही कोर्ट केस चल गया था, रिपोर्ट दर्ज कर दिया था भाई, रिपोर्ट दर्ज होने से कोर्ट केस हो गया था, कोर्ट केस से उन्होंने तलाक का डाल दिया, तो हमने खर्चे का डाला मजबूरी में, सबने कहा कि आपका कहना यह है कि वो दरोगा जी बन गए, तो अब जो है अपनी जो है घर से निकाल दिया आपको? जी, अब वो नहीं रखना चाहते। जी सर, क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम एक्स सूबेदार नरेश सिंह, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और सूबेदार रैंक से रिटायर्ड हूँ, जिसे हिंदी में भूतपूर्व सैनिक भी कहते हैं। मैंने पहले अपनी बेटी पिंकी, आज भगतपुर थाना आए हो, क्या मामला है? मैं भगतपुर थाने में इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी दोनों बेटियों को भगतपुर थाने में, जो गांव पड़ता है डूंगरपुर, वहाँ से दोनों बेटियों को निकाल दिया गया है। मैं अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के इच्छा से यहाँ पर आया, लेकिन पहले जब बड़ी बेटी को निकाला तो भी मैं थाना भगतपुर से लेकर थाना ठाकर द्वारा, SSP मुरादाबाद, सब जगह गया। उसके बाद कहीं सुनवाई न होने के बाद पुलिस वालों ने जो है बोला कि जो है हम कोर्ट केस डाल सकते हैं, कोर्ट में जो है आपका मुकदमा पहुंचा देंगे। बड़ी बेटी का, आपने दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में की? जी, मैंने दोनों बेटियों की शादी एक्स दरोगा महेंद्र सिंह यादव के घर, बड़े बेटे को पिंकी यादव की शादी शरद कुमार, जो कि अभी थाना बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर थाना अगोता में जो है इस समय कार्यरत है। छोटी बेटी की शादी उनके छोटा भाई शिशिर यादव के साथ की। दोनों बेटियों की शादी बहुत तगड़ी की, बड़ी बेटी को स्विफ्ट डिजायर दी, छोटी बेटी को टॉप मॉडल बोलेरो दी। काफ़ी खर्चा करने के बाद फिर भी जो है, ऐसी क्या समस्या आई जो दोनों बेटियों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? बड़ा बेटा जो है, जब शादी की थी उस समय जो है वो शॉर्ट हैंड कोचिंग सेंटर ठाकर द्वारा मैं चाणक्य को चलाता था, उसके बाद वो जो है खुद किस्मत से जो है दरोगा बन गए। दरोगा बनने के बाद उन्होंने जो है, उनके इच्छा हुई, पहले तो वो दहेज की मांग करते रहते, जब तक मेरे पास पैसा था देता रहा मैं, तब तक वो रख लिए। उसके बाद जब पैसा ख़त्म हो गया मेरे पास, तो उन्होंने जो है बड़ी बेटी को निकाला, पहले बोला कि जो अब मैं दरोगा बन गया हूँ, अब मैं तो जो है सर्विस में लड़की से शादी करूँगा। उसके बाद जो है उन्होंने जो है Section 9A का केस डाला, केस में जो है जज साहब ने जो है छोटी बेटी को जो है भिजवा दिया, और बड़ी बेटी का उन्होंने बहाना कर दिया कि जब मैं ट्रेनिंग करके आऊँगा तो ले जाऊँगा, लेकिन वो ट्रेनिंग करके भी आ गए और आके बोल दिया कि मुझे अभी जो है किसी भी बेटी को आपकी नहीं रखना है,
तो बड़ी बेटी को निकालने के बाद अब फिर छोटी बेटी को निकाल दिया। फौजी साहब, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? मैंने सबसे पहले शिकायत करी थाना भगतपुर में, उसके बाद थाना ठाकर द्वारे में, उसके बाद एसएसपी मुरादाबाद, उसके बाद जो है गया था मैं थाना अहमदगढ़ जिला बुलंदशहर में, लेकिन वहाँ पर भी आश्वासन मिला लेकिन कार्रवाई या कुछ नहीं हुई। ना ही पुलिस का काम है न्याय दिलाना। एक दरोगा की पत्नी अपने न्याय के लिए दर दर भटक रही है जी। तो इसमें